नमस्कार, कुमो हमारे साथ चैनल के उदयपुर सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज आप देखोगे इस पार्ट में उदयपुर का फेमस सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस की विशेषता आपको दिखाएंगे, कैसे जाते हैं सज्जनगढ़, कितनी टिकट है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे सज्जनगढ़ पैलेस की। तो ये पार्ट जरूर देखना। और सज्जनगढ़ से शाम को हम जाएंगे बागोर की हवेली, जो एक म्यूज़ियम है और राजस्थानी संगीत कला की जो धरोहर है उसको पेश करते हैं। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस पार्ट में आपको मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ये पार्ट पूरा देखिए। तो अभी हम जो पहुंचे हैं वो है सज्जनगढ़ फोर्ट जाने के लिए, जो मेन गेट है वहाँ पे। यहाँ पे हमें टिकट लेनी पड़ेगी, पर पर्सन 106 रुपया है, 106। और अगर आप अपनी कार लेके आए हो तो आपको अलग से 305 रुपये देने पड़ेंगे, और टू व्हीलर लेके आए हो तो 55 रुपीज देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपके पास कार या टू व्हीलर नहीं है तो गवर्नमेंट यहाँ से कार प्रोवाइड करती है, जो हमें ऊपर तक ले जाती है और बाद में नीचे लेके आ जाती है। उसका करीबन 100 रुपीज हमें देना पड़ता है पर पर्सन। तो यहाँ से सज्जनगढ़ ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर हिली रोड के ऊपर जाना है। तो देखिए, ये सज्जनगढ़ मेन द्वार है इसका। तो हम टिकट ले लेते हैं और चलते हैं। तो हमने टिकट ले लिए, हमारे पास कार नहीं थी तो हमने वो गवर्नमेंट की हायर कार में टिकट ली है और उसमें जा रहे हैं। देखिए रास्ता कितना बढ़िया है और कितनी ग्रीनरी दिख रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उदयपुर में जोरों की बारिश चालू है। तो बारिश के सीज़न में ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है वो देखना एक सही में अलग ही एक्सपीरियंस है। रास्ता जिगजैग है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। बहुत सारी कार्स यहाँ पे जा रही है। देखिए देखिए कितना पार्किंग फुल है। हम पहुंच गए, ये पार्किंग है सज्जनगढ़ का, और अभी पैलेस के अंदर जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इस सज्जनगढ़ पैलेस को मॉनसून पैलेस भी बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये जो पैलेस है सज्जनगढ़, वो 1883 में महाराणा सज्जन सिंह ने बांसदरा हिल के ऊपर उदयपुर के पास बनवाना शुरू किया था, और उसका पूरा काम 1884 में महाराणा फतेह सिंह ने कंप्लीट करवाया था। ये जो सज्जनगढ़ पैलेस है वो अरावली हिल्स पे है और करीबन 3100 फीट की ऊंचाई पे है, और इसको वैसे बादलों की हलचल देखने के लिए महाराणा ने बनाया था। बहुत ही अच्छा मार्बल का, वाइट मार्बल का ये पैलेस है। अभी हम ऊपर जाके देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं। पैलेस जाने के लिए ये रास्ता है जो आप मेरे सामने देख रहे हो, और ये देखिए पैलेस में से क्या व्यू लग रहा है। अभी तो बादल है, लेकिन जब बादल नहीं होते तब लोग सनसेट देखने के लिए यहाँ स्पेशली आते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है सनसेट देखने के लिए। देखिए यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पूरा उदयपुर का व्यू, लेक पिचोला, फतेह सागर लेक भी दिख रहा है और उदयपुर सिटी दिख रहा है। और नीचे आप देख रहे हो थोड़ा कि वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी बना है, जैसे वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो ऊपर चलते हैं और पैलेस के अंदर चलते हैं। देखिए पैलेस के अंदर हम जा रहे हैं, ये पैलेस का मेन गेट है, मुख्य द्वार, अंदर की तरफ हम जाते हुए सज्जनगढ़ फोर्ट उदयपुर। देखिए कितना बढ़िया पैलेस बनाया गया है इतनी ऊंचाई पे। यहाँ से एंट्री ले रहे हैं हम लोग। देखिए इस महल की दूसरी विशेषता, सज्जनगढ़ किले में वर्षा जल संग्रहण दुर्लभ धरोहर।
यानी बारिश का पानी यहाँ पे संग्रह होता है वाटर हार्वेस्टिंग, और करीबन 195,500 लीटर पानी का संग्रह होता है ऐसा इसमें लिखा है। ऐसी बड़े टैंक्स यहाँ पे महाराणा ने बनाए हुए, कितना बढ़िया काम। तो अंदर पैलेस के अंदर हम आ गए, देखिए ये पिक्चर बनाया हुआ है पूरा पैलेस का। अभी अंदर की तरफ चलते हैं यहां से ये गेट से, और हम पहुंच गए अभी मुख्य खंड में। और यहां पे देखिए महाराणा सज्जन सिंह का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, उसके लाइफ की जीवन चरित्र लिखी हुई है देखिए। और बीच में ये स्टेच्यू रखा है, हाफ स्टेच्यू महाराणा सज्जन सिंह जी का, पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। और मॉनसून पैलेस, और सही में हम लोग मॉनसून की सीजन में ही आए हैं। और ये देखिए बायोडायवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ऐसा एक ऑडियो विजुअल यहाँ पे रखा है पर्यटक के लिए। देखिए अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पैलेस के ऊपर की तरफ ये सीढ़ियाँ जाती है, पुराने जमाने की सीढ़ियाँ है तो थोड़ी जगह कम है। हम पहुंच गए ऊपर, इसके ऊपर भी जा सकते लेकिन हम गए नहीं है। देखिए ये बारिश अभी अभी हुई है तो पानी थोड़ा यहाँ पे है। सामने की तरफ चलते, वहाँ से व्यू भी अच्छा आता है और लोग फोटो भी वहाँ पे खिंचवा रहे हैं, फोटोग्राफिक प्लेस है। चलते हैं वहाँ सामने वो रूम में भी। देखिए यहाँ पे पूरे विंडोज हैं और सब महाराणाओं के पिक्चर्स रखे गए बड़े बड़े। तो पैलेस देख के हम नीचे की तरफ अभी जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो पैलेस है वो महाराणा ने बादलों की मूवमेंट देखने के लिए बनाया था। तो आज हम ये लाइव देख रहे हैं, मॉनसून की सीजन है तो बढ़िया सा व्यू दिख रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी उदयपुर आओ तो आप ये सज्जनगढ़ पैलेस देखने जरूर आना। मैं इसकी डिटेल सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखिए ये बादल नीचे आ रहे हैं, देखिए ये बादल उदयपुर सिटी की तरफ आ रहे ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से हम कार में बैठ गए वापस और अभी जा रहे हैं सिटी में बागोर की हवेली देखने के लिए। हम बागोर की हवेली में धरोहर डांस देखने के लिए जा रहे हैं जो गंगोत्री घाट के पास है और लेक पिचोला के किनारे पे है ये बागोर की हवेली। देखिए ये म्यूजियम भी है और हवेली भी है पुरानी, और ये जो धरोहर डांस है फोक डांस वो यहाँ पे दिखाते। उसकी टिकट की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो बागोर की हवेली के फोक डांस का जो टिकट है वो आप एडवांस में ले लेना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 100 जो है वो फुल रहता है। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना, मैंने भी एक दिन पहले ये टिकट ली हुई थी। देखिए बारिश बहुत हो रही है फिर भी आज फोक डांस का शो होने वाला है। ये देखिए बागोर की हवेली अंदर से कैसी दिख रही है, हम देखने के लिए जा रहे हैं वो शो। बहुत ही पानी भरा हुआ था क्योंकि बारिश बहुत है, पानी कितना भरा हुआ है देखिए। चलते हम शो की तरफ। देखिए इस साइड म्यूजियम है लेकिन म्यूजियम अभी बंद है। शाम को 7 से 8 बजे ये शो होता है। देखिए सब लोग बैठ गए अपनी जगह पे, और सामने जो दिख रहा है वो स्टेज है जहाँ पे राजस्थानी फोक डांस हमें देखने को मिलेगा। आप भी हमारे साथ थोड़ी झलकियाँ इस डांस की देखिए, लेकिन उदयपुर आए तो आप पूरा डांस देखिए, और 1 आवर का 1 घंटे का। देखिए बारिश हो रही है और डांस अभी शुरू हो रहा है, तो आप देखिए थोड़ी झलकियाँ।
मैं इधर आपको थोड़ी झलक दिखा रहा हूँ, लेकिन आप उदयपुर आओ तो ये देखने, राजस्थानी फोक डांस देखने जरूर आना। तो ये पूरा शो देख के हम होटल वापस आ गए। उदयपुर जिसको मेवाड़ एरिया बोलते हैं राजस्थान का, उसमें उदयपुर आपने देखा, हमने उदयपुर एक्सप्लोर किया, आपको दिखाया। मॉर्निंग में सबसे पहले हम यहाँ पे गए थे करणी माता जी के मंदिर, वहाँ पे आपको रॉप वे की सफर करवाई और करणी माता जी का मंदिर भी दिखाया, दर्शन करवाए आपको। वहाँ से हम गए थे लेक पिचोला, लेक पिचोला में हमने बोटिंग की, शेयरिंग बोटिंग में लिया, बोटिंग की थी हमने शेयरिंग में, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश इतनी है कि चारों तरफ, हम जब झील में थे तब भी आपने देखा कि बारिश कितनी आ रही थी। उसके बाद हम गए सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी में आपको मैं बता दूं, वहाँ पे अलग अलग बहुत सारे फाउंटेन है, उदयपुर आए तो जरूर जाइए, आपने देखा सहेलियों की बाड़ी। उसके सामने ठीक वहां पे एक होटल है जिसका नाम है अमंत्रा कंफर्ट। ये अमंत्रा कंफर्ट में आपने देखा हमने पूरी राजस्थानी थाली खाई, क्या थाली थी, वेरी टेस्टी। 100-200 मीटर करीब है वहां से, तो आप जरूर राजस्थान उदयपुर आई तब ये खाना खाने जाइए। वहां से हम गए थे सज्जनगढ़, जो आपने देखा सज्जनगढ़ पे राजा सज्जन सिंह ने मॉनसून पैलेस बनवाया था। तो जो ये मॉनसून पैलेस था राजा सज्जन सिंह बना रहे थे, मीस में उसका निधन हो गया, तो उसके बाद जो राजा थे उदय सिंह जी, उसने ये कंप्लीट करवाया और उसका नाम दिया सज्जनगढ़। हाइट पे है, वहाँ पे दो तरह की टिकट है, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो, वहाँ पर भी एक शेयरिंग गाड़ी आपको मिल सकती है। तो शाम को 7 बजे हम गए थे यहाँ पे बागोड़ की हवेली। जो बागोड़ की हवेली है, यहाँ पे उदयपुर में जो राजस्थान का फोक कल्चर है वो दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया शो है। लेकिन इसमें एक बात खास ध्यान रखना, कभी भी उदयपुर आओ उसकी टिकट एडवांस में ले लेना, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पे और जगह इतनी बड़ी नहीं है कि इतने लोग अंदर आ सके, लेकिन मिस मत करना, ये जरूर देखना ये बागोड़ की हवेली का कल्चरल प्रोग्राम। और हाँ, कमेंट्स जरूर करना, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और यस शेयर करना। कल हमारा प्लानिंग है कुंभलगढ़ जाने का, कुंभलगढ़ यहाँ से 85 किलोमीटर है, तो कुंभलगढ़ भी आपको दिखाएंगे राजस्थान का। बारिश बहुत है, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, आपने भी एंजॉय किया पूरे वीडियो में, और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।